अज असी मौजूदा नाभा विखे जिथे कि किसान जथेबंदियों वालों इतने चक्का जाम किया गया है। जिस तरह की तुहानू पता ही है कि किसान जथेबंदियां आर्डिनेंस बिलों नू लैके बहुत लंबे समय तो संघर्ष कर दिया आ रही हैं। मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष होर तेज करते हुए इतने नाभा विखे भी देश दे जो चक्का जाम की कॉल नू लैके किसान जथेबंदियां इतने पिछे मेरे पिछे नज़र आ रही ने जिन्होंने चक्का जाम किया है नाभा विखे। तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच नाभा विखे चक्का जाम किया गया है, बिल्कुल चक्का जाम किया गया। आओ किसानां नाल असीं गल्लबात भी करदे आं। हाँ जी, तुसी जो चक्का जाम किया जी, तुसी की कहना चाहते हो? देखो जिहड़े खेती बिल पास किए ने, सेंटर सरकार ने बिल पास किए ने, उहदे विरोध विच एजीटेशन चल रहा जिहदे विच असीं 15 सितंबर नूं पहला भी चक्का जाम किया सी, फिर 25 सितंबर नूं असीं पंजाब बंद किया, तो अज फिर साड़ियां जिहड़ियां सारियां इंडिया दियां जथेबंदियां ने, सारियां भारत दियां जथेबंदियां ने, उहनां वल्लों फैसला किया गया भई अज जिहड़ा है ये देश दे विच चक्का जाम होएगा 12 तो लैके 4 बजे तक, जिहदे तहत असीं अज नाभे दे विच बैठे हाँ। तो इत्थे असीं नाभा मलेरकोटला रोड ते जाम लाया होया, ये एजीटेशन सा उदों तक चलना है जदों तक ये बिल है जिहड़े मोदी सरकार वापस नहीं लैंदी। जिस तरह की तुहाडा जिहड़ा किसान यूनियन दा संघर्ष है बहुत लंबे समय तो जारी है, पर जो मोदी सरकार दे सिर ते बिल्कुल जू नहीं सर करी, इस विच तुसीं देखदे हो? देखो मोदी सरकार हैंकड़ दा भरिया होया है, मैं समझदा भी जिहड़ा भी वह कर रहा है तुगलकी फरमान वह जारी कर रहा है, और ये उन्हों पुठा पेगा क्योंकि अज बिहार दे विच इलैक्शन हो रही है, उहदे विच भी उन्हों सज़ा मिल जानी है। इस तरह फिर मतलब किसान ने जिहड़े इन्होंने इत्थे जिस तरह भाजपा वाले ने उन्होंने भाजपा वालिया असी सज़ा दिती हुई है, उन्होंने पिंडा च बढ़ना असी मना किया हो, पिंडा च नहीं जान दिता जाता, जिथे भी कितने जाते हैं उन्होंने विरोध किया जाता, जिथे रैलियां करते हैं उत्थे उन्होंने विरोध किया जाता है। इतों तक भी है भी उन्होंने जेडे खेती बिल ने उन्होंने प्रचारण के लिए उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए इश्तहार छपा के वंडन का प्रोग्राम बनाया सी पिछले दिन ही, जेडे 20 लाख इश्तहार वो वंड नहीं सके पिंड जा नहीं सके। सो असी समझते हैं भी उन्होंने कंध ते लिखे पढ़ लेना चाहिए है, जे किसान अज एजीटेशन दे विच ने ये अपनियां मंगां मनवाउण दे लई दृढ़ ने, क्योंकि इन्हां नूं सारियां दा समर्थन है। जे अज साडी मंडी खत्म हो जाती है, जे साडी MSP खत्म हो जाती है तो किसान मारिया जाऊ, जे किसान मारिया जाता तो उहदे नाल साडा मजदूर भी मारिया जाऊ, जे मजदूर मारिया जाता तो उहदे नाल आढ़तिया ते दूसरे जिहड़े साडा भाईचारा है जिस तरह दुकानदार ने रेहड़ी फड़ी वाले ने सारिआं ते ही इस गल का असर पएगा। इस करके अज चिंता सानू कल्यां नूं नहीं है, ये सारे पंजाब वासियां नूं चिंता है, क्योंकि इत्थे जमीना हथियाउण दा जो मोदी सरकार है अडानी अंबानी दे थले लगी हुई है उन्होंने कहने ते चलती है। ये बिल भी असीं तां समझदे आं भी अडानी अंबानी ने वल्लों ही बनाए गए ने, क्योंकि जिस तरह होर सैक्टरां ते उन्हां दा कब्जा कराया जा रहा है, रेलवे बेच दित्ती है, एयरपोर्ट बेच दित्ती है, होर एयरलाइन बेच रहे ने, ते इस तरह BSNL बेच दित्ता है, इस तरह अज खेती सैक्टर नूं भी अडानी अंबानी दे कोल गहने करन जा रहा है ये मोदी। सो असीं इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करांगे, किसान सब समझते ने, इन्हां नूं इह एवें कह रहे ने भी किसानां नूं देखो जी दसण दी लोड़ है, असीं जाके प्रचार करदे आं, क्योंकि जदों पिछले दिन ही मीटिंग हुई सी दिल्ली दे विच किसान उत्थे गए सी, पर इह है भी इत्थे इन्होंने टीम भेज दी 8 मंत्रियों की भी तुसीं जाके प्रचार करो इन्हां नूं जस्टिफाई कराउण दे लई किसानां दे विच जाओ तू, पर उन्हां नूं कोई पढ़ने नहीं दिंदा पिंडां दे विच, किसानां नूं पता है भी इह साडी मौत दे ब्रंट ने, किसान समझदे ने इस गल नूं। सो इस करके अज जिहड़ा हालात बने होए ने, इस हालात तो सबक सीखना चाहीदा है मोदी सरकार नूं भई ये अंदोलन है जिहड़ा पूरा अमन शांतमई तरीके नाल अर इतिहासक अंदोलन हो निबड़िया, अज तकरीबन महीने तो उत्ते हो गया इस अंदोलन नूं चलदिआं, अर किसी का ये कह लिए भी किसी डली नहीं मारी, किसी का नुकसान नहीं किया, शांतमई तरीके नाल साडे धरने चल रहे ने, ऐसी टोल प्लाजे
बंद किए हुए ने, रेलवे ट्रैक असी बंद किए से, इस तरह रिलायंस के पंप बंद किए से, इस तरह असी होर भी कई चीज़ा ने जड़िया बंद कीतिया सी, पर यह भी असी अंदोलन नूं नवा मोड़ देने वास्ते असी पिछले दिन ही रेलवे ट्रैकों के उत्तों भी असी अपना जिहड़ा धरना चुक लिया सी, ये कह के भी माल गड्डिया नूं सिर्फ इजाजत दी जाऊगी, जिहड़ियां असी पसेंजर ट्रेन ने उन्हां नूं असी अजे तक इजाजत नहीं दी। असी कल साडी मीटिंग सी पंजाब लैवल दीआं जथेबंदियां दी, उहदे विच फिर फैसला होया बई आने वाले 15 दिन असी माल गड्डिया नूं परमिशन दिती है, असी दूजिया गड्डिया नूं अजे भी उन्हां नूं रस्ता नहीं खोलांगे। तो नाल ये है असी ये भी समझा अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बई असी पहला रेलवे ट्रैक तो उठे हाँ, फिर असी धरना जिहड़ा साडा वो प्लेटफार्म ते हो गया, तो हुण असी वो धरना जिहड़ा बई किसी किस्म का साडे उत्ते कोई आंच ना आवे, किसानां नूं कोई दोषी ना बना देवे, इस करके असी किसानां दा धरना जिहड़ा रेलवे प्लेटफार्म तो लिया के बाहर पार्कां दे विच कर दिता है, ये सारिआं नूं असी तब्दील कर दिता कर। सो असी इस तरह का कोई मतलब नामना नहीं खटना चाहते, किसान सारा कुछ जानते हैं, चिंतित ने इस गलते, सो सरकार असी झुका के हटांगे। जिस तरह की मतलब कि मोदी सरकार वालों जा कहा गया भी पराली साड़न ले 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की जो सज़ा दी जाएगी, उस तो किवें देखते हो? देखो जी, उन्होंने जिस तरह आ बिल पास किए ने भी करोना महामारी की आड़ के क्योंकि उन्होंने पता से भी इस समय अंदोलन नहीं हो सकना, किसान अंदर बड़े भी होंगे, एक पासे ड्राबा करोना का दिता जा रहा, दूजे पासे सानू मतलब महामारी का ड्राबा दिता जा रहा, दूजे पासे साढ़े ते लिया के आ बिल थोप दते, इस तरह हुण उन्होंने पता है भी एजीटेशन नूं दबाउण दे लई असी की करिए। उन्होंने आ पराली वाला एक नवा लिया के कानून बनाया भी 1 करोड़ रुपया जुर्माना 5 साल की सज़ा। मैं समझदा भी जिथे लोकतंत्र दे विच लोकां नूं हक है, जे लोक सत्याग्रह करते हैं तो सरकारां नूं झुकाउण जाणदे ने, असी सरकार नूं झुकावांगे, सरकार नूं झुकना पैणा, इहो जे कोई कानून असी जिहड़ा किसानां दे हित च ना होवे, लोकां दे हित च ना होवे, उहनां नूं असी वापस करावांगे। देखो जी, मैं दफेदार हरजिंदर सिंह खहरा, प्रेस सैकटरी सेवा पंजाब, सेवा सेवा पंजाब साडी साबका फौज, उन्हां नूं असीं वापस करावांगे। देखो जी, मैं दफेदार हरजिंदर सिंह खहरा, प्रेस सैकटरी सेवा पंजाब, सेवा सेवा पंजाब साडी साबका फौजियां दी एक गैर पोलिटिकल संस्था 2008 तो चल रही आ, जो कि 6वें तनखाह कमीशन तो बाद 2008 तो ही असी संघर्ष के रस्ते पे हुए हाँ। पहला मनमोहन सिंह सरकार के समय सानू संघर्ष करना पाया बंद रेगवान पेंशन के मुद्दे से, उस तो बाद साडे नाल नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वड्डा वादा किया, 10 लाख फौजियों के हरियाणा के रवाड़ी रैली की सी, वो मोदी साहब ने कहा कि मैनू प्रधानमंत्री बनाओ, मैं सब तो पहला काम यह करूँगा कुर्सी पर बैठ के कि जवानों मैं रोल दे नहीं दे सकता, मैं बंद रेगवान पेंशन लागू करूँगा। असी उन्होंने विश्वास किया, वो प्रधानमंत्री बने, 3.5 साल असी उन्होंने मौका दिता, 3.5 साल असी प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी, असी सोचा भी चलो साडा प्रधानमंत्री साहब कापी कर देंगे, तो उन्होंने 3.5 साल तक साडा जब कोई बंद रेगवान मुद्दे से कोई सानू उन्होंने सुनी होनी साडी गल, उस तो बाद असी संघर्ष करना पाया सानू, फिर जो असी मनमोहन सिंह की सरकार के समय झंडे डंडे चक्की फिरते थे, असी फिर मोदी साहब के खिलाफ जंत्र मंत्र से बैठे, असी अज भी बंद रेगवान पेंशन के मुद्दे से जंत्र मंत्र से अज भी साडा रोस प्रदर्शन जारी आ, दूजे पासे असी सुप्रीम कोर्ट च भी केस लड़ रहे हैं, पर मोदी का हंकार इन्ना हो गया कि उसनू किसी भी बंदे की परवाह नहीं, एक पासे वो अन्नदाता कहिंदे ने किसान नू, जे वो अन्नदाता तो फिर वो रुल क्यों रहा सड़कों पर, एक पास जवान को कहते हैं जीवन दाता, जो जीवन दाता फिर वो रुल क्यों रहा, क्यों लोड़ पई सानू इस उम्र के साथ मेरे नाल देखो साढ़े सारे एक्सरसमैन जो बैठे ने बुढ़े, इन्हें किसी के कन्न दुखते हैं, तोपा के गोलियां ने इन्हें कन्न बोले कर रखे ने, गोडे चढ़े पहाड़ियों से चढ़ते हैं, इन्हों के गोडे हिले हुए हैं, पर असं संघर्ष के रहा हैं। हूँ जब केंद्र ने करोना का सहारा लेके करोना काल के दौरान बहुत ही लोग मारू नीतियां बनाईया, इन्होंने कानून बना लिया अपनी मर्जी के नाल, दूजे पासे उन्होंने बेहिसाब चंदा इकट्ठा कर लिया, चंदा भी इकट्ठा कर लिया, तो यह भी कहता नाल कि असी जिथे मर्जी खर्चीए ये चंदे ते कोई सवाल नहीं सानू पुछ सकता, पर हुण जद देखिया भी किसानां दा गल वढ़िया जा रहा, साडे बच्चों का अगे तबाही आ, सानू भी दिस रही है, बेशक असी जवान आ फौजी हाँ, पर है तो असी किसान ते बच्चे, किसान साडा भरा ते किसान साडे मां बाप ने, इस करके जवान ते किसान एक जय जवान जय किसान का नारा देश दे विच लगदा सी, लेकिन इन्हां ने मरे जवान ते रोले किसान नूं बदलता, ते अज असी
इस करके किसानों के नाल बैठे हाँ। हाँ जी तुसी चक्का जाम किया जी की कहना चाहते हाँ मैं नेक सिंह खोक सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बीके जू राज्यवाल जेड़ा ये चक्का जाम किया है ये सारा भारत अज सड़क जाम ने यह जड़ा खेती के विरुद्ध तीन आर्डीनेंस होए ने उन्होंने प्रोटेस्ट दे विच असी कर रहे ते इहदे नाल अज असी एक मोदी सरकार नूं संकेत देने चाहुंदे आ वी कल्ला जड़ा पंजाब है उही इह अंदोलन नहीं कर रहा पंजाब हरियाणा अंदोलन नहीं कर रहा सारा देश साडे नाल है इत्थे दे किसान भी नाल ने इत्थे दा मजदूर भी नाल है इत्थे दा इंडस्ट्रियलिस्ट भी नाल है इत्थे दा आड़ती आ ते हर प्रकार का दुकानदार अजे जिहड़ी विपत है और जिहदा नुकसान होने वाला है ये कल्ले किसानां दा नुकसान नहीं है ये समुची स्टेट का समुचे देश का नुकसान है आर्थिक का बिल्कुल डगमगा जाएगी सिर्फ एक कारपोरेट घराणियां दे कुछ लोगों नूं अमीर बनाने वास्ते और मोदी सरकार नूं फंडिंग दी लोड़ है और इन्होंने फंड लए ने और अगे नूं लैण वास्ते ये सारा एक क्लिक बनया अपने अंबानिया अडानिया का ते मोदी दी सरकार का वो अपनी नवा के सारे देश की जनता नूं कुड़की दे विच पा रहे और आर्थिक बदहाली करन वाले तुरे जा रहे हैं। अगर फिर भी ओहदे कोई कन ते जूना सरकी सरकार दे उहने गलबात करके इस मसले नूं हल ना कीता तां फिर अगला प्रोग्राम नवीं मीटिंग करके दुवी सख्त होवेगा जिहदे विच कुछ रहियां आ रही ने बई भावें दिल्ली के लोगों साड़ी कोई दुश्मनी नहीं है पर मजबूरी बस असी दिल्ली दियां सब्जियां दुध सारा कुछ असी चोक करन वल जा सकते हैं पर फैसला ये जिहड़ियां अगलियां अगलियां मीटिंगां होणगियां देश भर दियां जथेबंदियां दे उहदे विच लिया जाएगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹਿਣਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਾਗਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਸਟਰ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी की कहना चाहते तुसी अज किसानां दे इत्थे समर्थन विच आए हो? किसानां दे समर्थन च आए जी प्रधान जी का कहना भी असी अपने हल अपने हल भी आए हैं 9 मास का रिश्ता साडा जिहड़ा मोदी साहब खराब कर रहे ने असी मोदी साहब नूं यही कहना चाहते जी मोदी साहब जां तां तुसी के वापस लो आर्डीनेंस नहीं फिर यह संघर्ष है जिहड़ा यह दिल्ली जाके साडा टिकूगा तो असी किसानां नाल हर पक्षों हर पहलू से पूरी तरह लड़ांगे जी तो साथ देवांगे किसानां दा। जिस तरह तुसी सुनिया कि आड़ती एसोसीएशन के प्रधान जीवन लाल जी ने भी कहा कि असी किसानां दे हक विच तो आए हाँ असी पहला अपने वास्ते भी आए हाँ क्योंकि किसानां अते आड़तियां दा आपस विच 9 मास का रिश्ता हुंदा है इस करके मोदी सरकार अपनी हरकतां तो बाज आवे।